देखिए फिश मैंने इसमें हल्दी नमक देके मैरिनेट कर दिया हूँ, और यहाँ पे मटर, यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर भी मैंने कट करके रखा हूँ, ये है अदरक लहसुन और जीरा और गोटा धनिया जो है ना बारीक धनिया उसका, और यहाँ पे है फूल गोभी। तो टेस्टी वाला बनाएंगे आज रेसिपी खाना। तिनसुकिया में मैं जा रही हूँ चाटारी को, और तिनसुकिया के बहादुर चराली में मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे माघे माघ आपका गुरखा फेस्टिवल मना रहा है, और मुझे बुलाया गया है, स्पेशली मुझे बुलाया गया है, और बुलाया गया है प्रकाश रायदास जो बुलाया गया है, प्रकाश भैया बुलाया गया है, तो इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे। और 4 तारीख को आ रही हूँ मैं तिनसुकिया में, कहाँ था, बहादुर चराली, और मेरा फैंस लोग जितने हैं आप लोग आ जाइएगा वहाँ पे। तो मेरा कैमरा स्टैंड वगैरह रेडी किचन के लिए, और स्टैंड के वगैरह कोई मुर भल्ले किसे क्वा जोर से क्वा एवरी का मुर भल्ले किसे क्वा मुर भल्ले किसे आजी को डुक पाला तुम्ही तो वरना। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए हूँ, और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा क्या बताओ ठंडा है, मतलब धूप थोड़ा सा दोपहर के टाइम में आया था। और आप लोगों का बनायो बनायो पहले नमस्ते करो, नमस्ते रामोई, नमस्ते करो, नमस्ते। तो बनायो ने आप लोगों को नमस्ते कर दिया है, और आज ऑफिस से आते आते लेट हो गया, बहुत ज़्यादा काम था आज, तो आते ही मैंने सोचा व्लॉग्स बना लूँ, क्योंकि आज ईटिंग शो है, तो आज ईटिंग शो में मैं कुछ अलग खाने वाली हूँ। मतलब रोज़ रोज़ आप लोग भी बोर हो जाते हैं पोर्क पोर्क पोर्क, एक्चुअली पोर्क मतलब मेरा पोर्क लवर बहुत ज़्यादा है चैनल में, सो इसलिए मैं उन लोगों को दुख नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं अदर कुछ खा लूँ तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए मैं पोर्क ही ज़्यादा खाती हूँ। पर आज मैं फ़िश करी बनाऊँगी, एक अलग सा स्टाइल से फ़िश करी बनाऊँगी, नगा स्टाइल भी बोल सकते हैं, उस स्टाइल में बनाऊंगी, और आज मुकबंग में वही होगा। तो बाउंड्री मेरा पूरा टीना से कंप्लीट हो गया है, देखिए देखिए वहाँ तक टीना से कंप्लीट हो गया बाउंड्री एकदम लास्ट तक, अब कल से वहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीन बहुत ज़्यादा बच गया था पुराना घर का, तो इसलिए मैंने सोचा उसको रीयूज करें, वॉल देने से अच्छा अब मैं टीना लगा दूँ, क्योंकि टीना काम में भी आएगा, तो इसलिए जितना भी टीना था मैंने सबको यहाँ पे लगा दी है। और पैर पौधे देखिए कितना ज़्यादा अच्छा था, अभी उन लोग को भी सांस मिल गया, नहीं तो घर ना उन लोग को ऐसे प्रेस करके रखा था, तो इतना ज़्यादा फ्लावर्स भी था मेरा, जो कि पैर पौधे अभी बन रहा है, और पूरा बाउंड्री ऐसे मैंने पूरा राउंड कर, मेरा यहाँ पे बनेगा एक किचन, जो कि मुझे ना पाकघर मैंने भाबू कि मुझ कैसा पाकघर एटा लगे, और तक मैं जुईत भात बनाम, और जुईत बनवा मतलब जुईत बनाले इमान भाल लगे खाबले, और टेस्टी टेस्टी मोरे बहुत भाल पाऊं खाए, गए मैं मैंने कह चाह मिस्त्रीटा मुझ कैसा पाकघर एटा बनाय दे हुनकाले, मैं तक जुईत भात बनाम, और बेसि भाल लगे और बेसि टेस्टी हम, और मैं खाई बहुत भाल पाऊं जुईत बनवा, कि जगह ना बनाबले हेतु कारणे इटा ए जगाखिनि जे खाली हो गल, तो यहाँ पे बनेगा किचन और बैम्बो हाउस का किचन बनेगा, और हम आग में खाना बनाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। भानु की कोसा तुम ही खावा नहीं के खावा, अच्छा रोबा 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 भरने रोबा रोबा तुम ही ऐसे कोट डुप पला साऊ साऊ, देखिए भरनायु को आज यहाँ पे चोट लगा सा, रोबा सन रोबा भाल के देखा दू, इस राम तुम्हें कहने के डुप पला कुआ सा, तुम्हार जो तेमुना तो फुली ऐसे कहने के डुप पला कहने के पोला मुख देखा दिया सुन उत्पात नकबा बोली आज बा उत्पात करबा निकी। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे खाना, क्योंकि मुझे मेरा मुकबंग है, तो रात के लिए रेडी होना है, क्योंकि खाना बना के मुझे एक थोड़ा सा क्लिप बनाना है, क्योंकि तिनसुकिया में मैं जा रही हूँ 4 तारीख को, और तिनसुकिया के बहादुर चराली में मैं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे माघे माघ आपका गुरखा फेस्टिवल मना रहा है, और मुझे बुलाया गया है, स्पेशली मुझे बुलाया गया है, और बुलाया गया है प्रकाश रायदास जो बुलाया गया है, प्रकाश भैया बुलाया गया है, तो इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे। और 4 तारीख को आ रही हूँ मैं तिनसुकिया में, कहाँ था, बहादुर चराली, और मेरा फैंस लोग जितने हैं आप लोग आ जाइएगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत बेसी कथा पातीम, और बहुत बेसी भल लगेब, और पहले मैं नाचिमो एपाक तो आप लोग आइएगा हम वहीं पे मिलेंगे, तो इसलिए वहाँ पे भी उसके लिए भी एक रील्स बनाना है मुझे, क्योंकि बोलना तो है ही मेरे फैंस लोगों की, क्योंकि
मेरे आप लोग कितने सारे फैंस हैं जो कि आप लोग बोलते रहते हैं कि आपको मिलने का मतलब मन कर रहा है, या तो कभी हम कुछ जगह पे जाते हैं उसके बाद जब वीडियो बनाते हैं फिर आप लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं बताया पहले ताकि हम लोग मिल सकते थे, तो इसीलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। और 4 तारीख को मतलब 4 फरवरी को तो बहादुर चौराली में जा रहे हैं, और आप लोग ज़रूर आएगा वहाँ पर और हम आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा मैसेंजर में फेसबुक के। तो मैंने बता दिया मैं कहाँ आ रही हूँ, तो अभी हम खाना बनाएंगे रात के मुकबंग के लिए, क्योंकि अपना ड्यूटी भी करना है, ऑफिस से आ गई हूँ, अब ये घर का ड्यूटी मतलब सोशल मीडिया का ड्यूटी भी करना है, सो इसीलिए अभी हम लग जाएंगे काम पे। तो यहाँ पे स्क्रीन वगैरह बैक स्क्रीन वगैरह लग गया है, क्योंकि ईटिंग शो के लिए पीछे का बैक स्क्रीन होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खाना, और मैं दिखाती हूँ आप लोग को आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैं बनाऊंगी आज ये वाला फिश कॉसमास। तो ये वाला फिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब इसका मैं जो भी बनाऊंगी आज, पता नहीं फूल गोभी देके कुछ बनाऊंगी, तो देरी नहीं करते हैं, फूल गोभी के साथ आज फूल गोभी लेके रखा हूँ तो इसके साथ आज बनाएंगे कुछ, और वनाई को भी अभी पढ़ाना पड़ेगा तो इसीलिए फटाफट खाना पहले बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट खाना बना। गाइस फाइनली खाना बनाने आ गई हूँ, आज वो रिको होता है घर पे, तो मेरा कैमरा स्टैंड वगैरह रेडी किचन के लिए, और स्टैंड के वगैरह कोई वीडियो नहीं होगा, और ऑल आउट भी जला ली हूँ, मच्छर घुस जाएगा पता नहीं रात के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मच्छर आते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, दिखाते हैं मैंने क्या क्या रेडी किया है, मैंने सब काट कूट के रेडी किया है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे फैमिली लोग बोर हो जाए क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हैं। तो फटाफट दिखाते हैं टेस्टी वाला रेसिपी। देखिए फिश मैंने इसमें हल्दी नमक दे के मैरिनेट कर दिया हूँ, और यहाँ पे मटर, यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर भी मैंने कट करके रखा हूँ, ये है अदरक लहसुन और जीरा और गोटा धनिया जो है ना बारीक धनिया उसका, और यहाँ पे है फूल गोभी। तो टेस्टी वाला बनाएंगे आज रेसिपी। खाना ऑलरेडी मेरा हो गया है, कुकर विसल मार लिया, बस इसका बाकी है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, और अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है इसलिए आवाज़ थोड़ा सा डैम आ रहा है। तो मैं सरसों का ऑयल से बनाती हूँ, और यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करूँगी, और वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड कर रही हूँ, तो तेल गरम हो गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं तेल स्प्रेड करूँगी पूरा कढ़ाई में ताकि फ़िश लग ना जाए कढ़ाई पे, और मैंने फ़िश यहाँ पे दे रही हूँ और मैं फटाफट कर रही हूँ, और तो फटाफट फ़िश तीन तीन करके मैं फ्राई करूँगी, और फ़िश को अच्छे से फ्राई करूँगी रेड होने तक, और मैं इसको फिर टर्न कर रही हूँ फिश को। और मुझे कॉस फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे कॉस फिश का बॉईल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिश बना रही हूँ फटाफट, और फिश फ्राई हो गया है, अभी इसको मैं फिर से टर्न करूँगी, और थोड़ा सा इसको फ्राई होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आज। तो फिश फ्राई हो गया है, अब इसको हम वहाँ पे टिश्यू पेपर रखेंगे, जितना भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर सॉक कर लेगा, तो इसीलिए मैं फ़िश हो गया है मेरा फ्राई अभी, और इसको हम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रेड रेड हो रहा है ना, तो इसको हम अभी टिश्यू पेपर में निकाल के रखेंगे, और उसके बाद हम बाकी फिश को भी फ्राई करेंगे। तो मैं धीरे धीरे करके कहीं टूट ना जाए इसलिए एक एक करके पूरा फिश को फ्राई करके मतलब उठा रही हूँ मैं टिश्यू पेपर में, और टिश्यू में इसलिए रख रही हूँ ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सोक हो जाए, पूरा ऑयली ऑयली वाला जो फील है वो ना रहे। और इसके बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा फ़िश फ्राई। अब हम जो जितना भी बचा हुआ फ़िश है उसको भी अच्छे से इसको हम दे देंगे तेल में, और इसको भी हम फटाफट फ्राई कर लेंगे ताकि एक ही बार में हो जाएगा, कढ़ाई बहुत बड़ा है, और ये मुझे मम्मी ने दिया था तो मम्मी का पढ़ाई है यहाँ पे कैमरा स्टैंड के साथ, लेकिन घर पे मेरा एक कटोरी है जो कि टिंग शो में यूज़ होता है, उन लोग को कुछ दिया था मैंने तो वो लेने जा रही हूँ, और बाहर आग लग रहा है पता है क्या। तो जितने भी कचरे वगैरह थे तो ये सब पूरा जला रहे हैं अभी, तो इसीलिए अभी ठंड भी लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है, पूरा फायर फायर हो रहा है। और मेरा नेबर के घर है वहाँ, मैं दिखाती हूँ कहाँ है, इधर है, वो है नेबर के घर, और वहाँ पे मेरा कटोरी है, मैं वो लेने जा रही हूँ। तो गाइस मैं लेके आ गई हूँ मेरा कढ़ाई, छोटा सा प्यारा सा, जो कि मैं ईटिंग शो में जरूरी होता है, और मेरा मछली डर गया पूरा काला। देखिए मेरा फिश का हाल खत्म हो गया है, मैं थोड़ा टाइम के लिए गई थी और फिश जल गया है, कोई बात नहीं,
रख देती हूँ यहाँ पे, दिन खराब है मेरा। तो देखिए ये मेरा फिश है, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा खा के, टेस्टी भी होगा। थोड़ा बहुत डर गया है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे यही तेल में थोड़ा सा गैस का सीम कम कर देंगे और यहीं पे हम फ्राई करेंगे अभी कैप्सिकम। तो मैं अभी कैप्सिकम फ्राई कर रही हूँ और कैप्सिकम फ्राई ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खा के, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। और वो वाला जो ऐसा मिर्ची वाला टाइप का ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके बाद हम इसमें जीरा डाल के सब्जी बनाएंगे। तेल थोड़ा सा जल गया है बट कोई बात नहीं। तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, अभी थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी। इसके बाद थोड़ा सा इसको भून के जितना भी अदरक लहसुन का और जीरा का पेस्ट था वो डाल दूंगी। और इसके बाद इसको फिर से हम फ्राई करेंगे अच्छे से। और सिर्फ इसमें मैं हल्दी और नमक ही दूंगी। तो थोड़ा सा नमक दे दिया और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी दे दूंगी इसमें। और नमक और हल्दी दे के इसको अच्छे से फिर से भूनूंगी ताकि पूरा मसाला जितना भी है प्याज और अदरक लहसुन सब मिक्स हो जाए। और इसके बाद टमाटर देख के इसको फिर से अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे। टमाटर के बगैर तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए टमाटर देना ज़रूरी है। और फाइनली देखिए और हो गया है। अभी इसमें मटर डाल दूंगी और मटर डाल के फिर से थोड़ा सा भूनेंगे हम इसको अच्छे से। और मटर जो ये हरा मटर है इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका कुछ भी सब्जी बनाओ ड्राई मटर से अच्छा। और इसमें अभी हम फूलगोभी दे देंगे और मैं फूलगोभी बहुत बड़ा बड़ा करके मतलब काटती हूँ, मुझे फूलगोभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे मैं फेवरेट सब्जी का ही खाना खाती हूँ मुकबंग में, मतलब ईटिंग शो में। तो मैं बना रही हूँ सब्जी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरे बैक करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे रख दिया हूँ, मतलब फ्राई होने के लिए मैंने ऐसे रख दिया हूँ। थोड़ा सा ढक्कन लगा के गैस का स्टीम थोड़ा सा लो करके रखूँगी। और देखिए यहाँ पे फ्राई फिश बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, जो कि अभी बनाए को एक में खिलाऊंगी। मैं अब वर्णु को खिलाऊंगी फिश, जो कि जब भी फिश फ्राई होता है मैं वर्णु को खिलाती हूँ। खाबाने आज देखिए वरना यू गिर गया था ऊपर से और मतलब बदमाशी करके, और यहाँ पे देखिए टेमुना बढ़ रहा है पूरा डूब पाला ना। टेस्टी है ने, खाई भल लगी से हे कैमरा चाय क्वासन भल लगी से बोली मुर भल लगी से क्वा जोर से क्वा एवने का मुर भल लगी से क्वा आज ही को डूब पाला तुम्ही। तो वरना यू को मैं जब भी फिश हाँ को डूब पाला বিছনার পৰা পৰিলা আজিৰ পৰা উৎপাত নকৰিবা দেই, কৰিবা নেকি এইটো স্কিন হয় খাবা নে। তো জবি ভি মই ফিছ ফ্ৰাই কৰতি হু বৰনাই কো মই থোৰা সা খিলাতি হু হমেশা, মতলব উসকো ফিছ ফ্ৰাই আচ্ছা লাগতা হে তো ইসলিয়ে মই বৰনাই কো খিলা ৰহি হু। উসকে বাদ মই ইটিং শো কৰুঙ্গি অৰ আপ লোগ না মেৰা ইটিং শো দেখনা মত ভুলিয়েগা, ক্যুকি মই মুকবঙ্গৰ হু অৰ মই ইটিং শো কৰতি হু ডেইলি, জিসকা চ্যানেল কা নাম আপ লোগ কো পতা হে ফির ভি বোল রহি হু টেস্টি ফুড উইথ সারা। या तो आप लोग टेस्टी फूड सारा भी टाइप कर सकते हैं यूट्यूब में फेसबुक में, और आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा सब्जी पक गया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी दूंगी, क्योंकि गोभी के सब्जी में थोड़ा सा पानी देंगे ना तो अच्छा लगेगा। और इसको ऐसे थोड़ा सा ढक के रखूंगी। इस ईटिंग शो के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, ईटिंग शो करने के बाद आप लोगों से फिर से मिलेंगे। और ईटिंग शो देखना मत भूलिएगा टेस्टी फूड विद सारा, और जितना भी मैंने खाना बनाया उसको हम अब खाएंगे ईटिंग शो में। तो ईटिंग शो देखना मत भूलिएगा, वीडियो रोज अपलोड होता है फेसबुक पे टेस्टी फूड विद सारा और यूट्यूब में भी टेस्टी फूड विद सारा। और वीडियो के लिए थोड़ा बहुत फेस पे कुछ कुछ लगाती हूँ, ऐसे इतना भी नहीं लगाती, इतना भी मेकअप नहीं करती, क्योंकि खाना ही तो है, खाने में क्या स्टाइल करना। तो चलिए बराबर मैं ईटिंग शो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता है। और फाइनल खाना का लुक कैसा हो रहा है आप देखिए। मैंने खाना खा लिया, अब एक टेबलेट खाऊंगी, जो मेरा आवाज टूट गया है उस आवाज को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तिनचुकिया जा रही हूँ जिसके लिए बहादुर सराली जा रही हूँ अधिवेशन में, और वहां पे बहुत कुछ बात करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गला अभी से ठीक कर रही हूँ। बस क्लियर हो गया है, और इतना ज्यादा मुखबंग करने के बाद
मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉकिंग करना, मतलब थोड़ा सा आधा घंटा तो मेरे को पैदल चलना ही है, नहीं तो फिर हाल बेहाल हो जाएगा। और इसलिए इसीलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर से आएंगे अच्छा सा व्लॉग्स के साथ। और आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए, और आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए और हमें प्यार ऐसे करते रहिए। और मेरा स्पेशली जला हुआ फूलगोभी और फिश करी कैसा लगा बताइए, क्योंकि नेबर के घर पे जाना पड़ा तो पूरा जल गया सब्जी। कोई बात नहीं, दोबारा हम अच्छे से ट्राई करेंगे। और मेरा मुंबंग चैनल देखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए। गुड नाइट।